आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन हमें कौन सी चीजें खरीद कर घर नहीं लेकर आनी है। किसी भी सूरत में हमें इन चीजों की खरीदारी नहीं करनी है। अगर हमने गलती से भी ये चीजें खरीद ली तो हमारे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी। उससे पहले वीडियो शुरू करूं तो पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि इस वीडियो को सुनने के बाद अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी अन्य प्रेमी को ये सब चीजें खरीदने से बचा सकती है, उसका भला कर सकती है, उसका कल्याण कर सकती है। इससे आपके अकाउंट में उस प्रेमी के 16% हिस्सा आपके अकाउंट में ठाकुर जी तुरंत ऐड कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोहे की बनी हुई कोई भी चीज इस समय हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे में शनिदेव का वास माना जाता है, ऐसे में हमें अपने घर में किसी भी रूप स्वरूप में शनिदेव का प्रवेश नहीं करवाना है। दूसरी बात है एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन। एल्यूमिनियम या स्टील में राहु का प्रवेश माना जाता है, हमें किसी भी रूप स्वरूप में अपने घर में राहु का प्रवेश नहीं करवाना है, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। उसके साथ साथ प्लास्टिक की कोई भी चीज, जैसे कि हम कोई भी प्लास्टिक की वस्तुएं खरीद कर, जैसे कि कोई गमला है, कोई गुलदस्ता है या कुछ भी है, वो घर ले आते हैं, ये बड़ा ही हानिकारक नेगेटिविटी का प्रतीक माना गया है। तो गलती से भी आप कोई भी गमला या प्लास्टिक की वस्तु खरीद कर घर न लेकर आए इस दिन, बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी धारदार चीजें जैसे कि चाकू है, सुई है, कैंची है, इस प्रकार की चीजें जो नेगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं, आप गलती से भी इस दिन इन चीजों की खरीदारी ना करें। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप पहले ले आएं, बाद में ले आएं, लेकिन इन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप कोई भी ऐसी खरीदारी ना करें जिस वजह से आपको कोई परेशानी हो। इसके साथ साथ जैसे कि रिवाज होता है कि हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, अगर आप किसी को भी अपना कोई भी गिफ्ट देते हो, जैसे कि कोई भी चीज है, कोई फूल है, कोई गुलदस्ता है, कोई मिठाई है, कोई कुछ भी है, अगर आप किसी को भी देते हो तो इसका एक ही मतलब है कि अपने घर आई हुई लक्ष्मी आपने किसी अन्य को दे दी। माता लक्ष्मी आपके घर से उस गिफ्ट के माध्यम से, उस उपहार के माध्यम से अगले घर चली जाएगी और आपके घर में नहीं रहेगी। तो ध्यान रहे, हमें किसी भी सूरत में, किसी भी रूप स्वरूप में किसी को कोई भी उपहार नहीं देना है। ये सब चीजें हम पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, इन 2 से 3 दिनों में हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रहे, हमें कोई भी काले रंग की वस्तु नहीं खरीदनी है, ये नेगेटिविटी का प्रतीक माना गया है। गलती से भी काले रंग के कपड़े हमें नहीं पहनने हैं, ये अशुभ माना गया है, अंधकार का प्रतीक माना गया है। और माता लक्ष्मी जहां आती है वहां तो चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। तो गलती से भी काले रंग की कोई वस्तु न खरीदें, काले रंग के कपड़े घर में बिल्कुल भी धारण न करें। उसके साथ साथ आप गलती से भी, जो कुछ लोग क्या करते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं होती, वो नकली गहने खरीद लेते हैं। अगर आपने भी कोई भी नकली गहना खरीद लिया तो माता लक्ष्मी इसे अपने आप का अपमान समझेंगी और आपके घर से अपमानित होकर वो चली जाएंगी। और बताने की आवश्यकता नहीं, जिस घर से माता लक्ष्मी अपमानित होकर चली जाती है वहां फिर दोबारा कभी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। अगर आपकी योग्यता नहीं है असली गहने खरीदने की तो नकली भी मत खरीदो, जैसे हो वैसे रहो। बताओ माता लक्ष्मी को कि इस समय देख ये भी योग्यता नहीं है कि धनतेरस का दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज खरीद कर लेकर आ सकूं। माता लक्ष्मी ऐसी करुणा करेंगी कि अगली धनतेरस के दिन आप असली ज्वेलरी खरीदोगे। इन सब चीजों से आपको, जैसे कि कुछ और चीजें हैं मिलावट वाली चीजें बाजार से मिलती है ना, जैसे कि तेल, घी, बटर या और भी जरूरत का जो सामान होता है जिसमें हमें लगता है कि बाजार वाले मिलावट कर सकते हैं, अगर कोई भी मिलावटी सामान हमने वहां से खरीदा तो इसका एक ही मतलब है कि हमने जानबूझकर अपने घर की लक्ष्मी में मिलावट डाल दी है और वो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर घर छोड़कर चली जाएगी। जो भी जरूरत का कीमती सामान है पहले ही खरीद कर रख लो, बाद में खरीद लेना, लेकिन इस दिन गलती से भी आपको यह कोई भी काम नहीं करना। कोशिश करो कि बाजार की कोई भी वस्तु आप यूज ना करो, कोशिश यही करना आप। उसके बाद देखिए आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा, माता लक्ष्मी स्थायी निवास बना लेगी। और भी अन्य पूजा की विधि या फिर शुभ मुहूर्त क्या है, सारी वीडियो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने अपने फेसबुक का लिंक भी नीचे डाल दिया है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हो। आपका जो सवाल है वहां आप या तो यहां कमेंट के माध्यम से या वहां जुड़कर आप मैसेज के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे आप सभी के जवाब देने की। जय श्री श्याम।